हेलो और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे माइनक्राफ्ट के एक न्यू वीडियो में। आज मैं फिर से खेलने जा रहा हूँ माइनक्राफ्ट 1.0। और पिछली वाली वीडियो से मैंने कुछ चेंजेस किए अपने वर्ल्ड में, और आज कौन कौन से चेंजेस होते हैं वो तो मुझे भी नहीं पता, वो तो ब्लॉक आएंगे उसमें से पता चलेगा। तो ये देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहना, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने आधे जगह पे प्लैंक्स लगाए और आधे जगह पे कोबाल लगाए। ऐसा इसलिए मैंने किया है क्योंकि मेरे पास तब वुड नहीं थे, अभी जस्ट मैंने कोबाल लगाए तो मैंने बहुत ज्यादा वुड उगा दिए और अभी मेरे पास वुड बहुत ज्यादा है। अभी आधे तो मैंने चेस्ट में रखा है, यहाँ पे मेरे पास 17 लोग है। ओके, ये सारे तोड़ के मैं जाता हूँ मतलब कि चेस्ट में, फिर आपको दिखाता हूँ मेरे पास कितने वुड है। मैंने वुड तो इसलिए जमा किया है क्योंकि हमें ये वाला प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा करना है और बहुत सारी चीजें बनानी है। मेरी माइनक्राफ्ट में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि मुझे कोई घर की डिजाइन नहीं सूझती। आधे लोगों की ये तो बड़े सिंपल होता है कि घर तो कोई भी बना देते हैं, बट या मेरी ये बहुत ही गंदी वाली दिक्कत है कि मुझे घर बनाने की डिजाइन नहीं सूझती। मैंने काफी सारे लोगों को मैंने बताया हुआ है, मुझे माइनिंग वगैरह और चैलेंजेस वगैरह पसंद है, मुझे मतलब कि घर बनाने का पसंद है इतना माइनक्राफ्ट में, क्योंकि मुझे घर की डिजाइन सूझती नहीं है भाई, सच्ची बोल रहा हूँ। और यहाँ पे हमारे पास 3 सिप है, एक के पास कोई कपड़ा वगैरह नहीं है यहाँ पे। कोई बात नहीं, चलो अभी आई थिंक सो हमें ब्लॉक्स ही माइन करने होंगे, बिकॉज कि अभी हमारे पास काम तो कुछ भी नहीं है। इस वाले देखो यहाँ पे मेरे पास कितने सारे वुड हो गए। अब मैं एक प्लेटफॉर्म भी बनाने वाला हूँ, बट उससे पहले हम करने वाले हैं माइनिंग। लेट्स गो, मेरे पास कोबाल्ट स्टोन भी कमी है। उसकी ओके द केव लेवल, अभी मजा आएगा ब्रो, अभी मजा आएगा ना बिडू। केव में तो क्या मिलता है, डायमंड। यस, हमें डायमंड चाहिए इसलिए हमें केव पसंद है। ओके लेट्स गो, यहाँ पे हमारे पास कोल भी है। ओके चलो, इसमें से तो हो जाएगा। अबे भाई डायमंड भी आ जा, यही सब आ रहा है। ओके भाई आयरन के पिकेक्स तो क्या हालत हो रही है यहाँ पे। ओह भाई डायमंड आ गया, मैंने भाई बहुत ही फास्ट माइन कर रहा था बट डायमंड आ गया भाई। हमारे ये वाले वर्ल्ड का पहला डायमंड, वो वाले वर्ल्ड में तो मुझे चेस्ट में से इतने इतने डायमंड मिल रहे थे जो कि बहुत ही अच्छा था भाई। ओके मतलब कि डायमंड मिले वो तो अच्छा ही लगता है ना, वो बात अलग है कि वो इजी हो जाता है, बट डायमंड मिले और किसी को पसंद ना हो वो तो नहीं हो सकता, मुझे तो पसंद है। ओके रात हो रही है तो अभी सो जाते हैं। हैं भाई ये सोच, भाई सो जा। ओके अरे देवा आ जा ब्रो। ओके अभी ये सारी चीजें ले लेते हैं वरना डिस्पोन ना हो जाए भाई, वो डर लगता है। ऑल राइट, तो मैंने अलग अलग कर दिए फ्लावर्स का चेस्ट यहाँ पे, जो कि भाई बहुत ही बड़े पड़े थे। इसमें देखो अभी थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है। लेट्स गो फिर से माइनिंग पे चलते हैं, बट डायमंड तो बहुत कम मिल रहे हैं भाई, ना के बराबर डायमंड मिल रहे हैं। केव में डायमंड मिल रहे नहीं, मतलब कि केव में डायमंड नहीं मिलते क्या? मिलते हैं, जरूर मिलते हैं, बट इसमें नहीं मिल रहे। रुको मुझे जमेगा ऐसे में रख देता हूँ, बिकॉज कि मैं टू फिंगर से ही खेलता। अरे ओके मैं टू फिंगर से ही खेलता हूँ इसलिए मुझे यहाँ पे जमेगा, इसलिए कम से कम आयरन की पिकेक्स में यूज करूँ भाई। हाँ हालांकि मेरे पास बहुत ज्यादा आयरन है, बट बूंद बूंद से दरिया बढ़ता है, तो मुझे बूंद बूंद जमा तो करने दो पहले, तभी तो मैं एक आयरन का आर्मर बना पाऊंगा ना। अभी चलो एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं हमारा, जिसपे कौन सी चीजें मैं बनाने वाला हूँ आई डोंट नो ब्रो, देखते हैं कौन कौन सी चीजें बनाते हैं। बहुत सारे भर देते हैं यहाँ पे, कम से कम 4 स्टैक होंगे हमारे पास प्लैंक्स। ये है हमारा कॉर्नर जो कि अभी शुरू होगा यहाँ से। ये एक भाई मैं कोई भी स्ट्रक्चर मतलब कोई कुछ भी मैं काम करता हूँ तभी क्यों बारिश होती है भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है। 2 भाई वैसे ओरे शिट 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 व्हाट द हेल व्हाट द हेल। ओह आई होप भाई, अरे भाई मैं बाल बाल बचाऊं।
तो ये प्लेटफॉर्म का काम बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो ये मैं काम आपको निपटा के मिलता हूँ। ओके, ये सारा कुछ ऐसे ही करने वाला है। चलो अभी प्लैंक्स लगाने की बारी आ चुकी है। अभी तो मुझे कोई भी ब्लॉक कम नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैं एक भी बार नीचे जाके नहीं मरा हूँ। और भाई बोलूँ और मर जाऊँ यार। ओके चलो अभी शो का आते हैं, कोई मुझे रिस्क ही नहीं लेना है भाई, ये वाले वर्ल्ड में तो रिस्क ही नहीं लेना है। तो आप ये वाला एरिया देख सकते हो, बहुत बड़ा और अच्छा है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें तो नहीं आएगी, बट हाँ यहाँ पे कोई नहीं तो सारे मैं एनिमल्स को तो रख ही सकता हूँ। तो यहाँ पे सारे एनिमल्स को मैं रख दूंगा, या फिर मैं एक्सपी फार्म बना दूंगा अगर मुझे अभी का अभी वो लावा वाली बकेट मिल गई तो, जो कि मिल जानी चाहिए भाई, लावा की बकेट। अभी ये वाली आयरन की पिकेक्स, और शिट, अबे यार, ओके तो कोई चीज तो नहीं गई नहीं ना। ओके अभी देखते हैं क्या होगा भाई, क्या बोलते हो, मैं ठीक ठाक सा घर बना। ओके ओ गोल्डन एप्पल नेम टैग, ओके भाई ठीक ठाक। बैलेंस शीट का मैं क्या करूं भाई। ओके बिकॉज कि मुझे कोई डिजाइन सूझ नहीं रहा है, तो ये घर देख के कोई भाई जज मत कर लेना कि भाई कृष्णा ने ऐसा घर बनाया है। और भाई अबे यार ये मैंने कहाँ पे लगा दिया, ये ऐसा कुछ दिख रहा है भाई हमारा गरीब खाना। अभी ये कैसा बनेगा वो तो मुझे भी नहीं पता, बट हाँ ये गरीब खाना कभी ना कभी तो अच्छा बन के रहेगा, अभी नहीं। अबे यार ये देखो ये देखो, रुको पहले मुझे एक चेस्ट बनानी। ओके चेस्ट तो है, लेट्स गो। सारी चीजें मुझे यहाँ पे ट्रांसफर करनी पड़ेगी, फिर वो वाली चेस्ट में से लेके यहाँ पे ट्रांसफर करनी पड़ेगी भाई। ओके नाउ मेरे घर को झेलने के लिए तैयार हो जाओ, 1, 2, and 3। यस दिस इज माय हाउस, जैसा भी हो घर है भाई, अभी रखना पड़ेगा, बाद में मैं न्यू हाउस बना दूंगा। अभी चलाने चलाने के लिए है भाई, टेम्पररी हाउस ही समझ लो इसे। हाँ मैं खेत को थोड़ा सा बड़ा करूँगा, क्योंकि वहाँ पे छोटी सी जगह में खेती होगी, सो हमें वो अच्छा नहीं लगेगा। ओके एक सर्कल बनाते हैं, ऑल राइट ऐसा कुछ मैंने चीज़ बनाई है। अभी ये वाला फार्म तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बट हमारे पास बीच बहुत कम है, मतलब कि हमारे ओ भाई बूट बम्स आ गए भाई, अभी गिरने वाला था मैं सच्ची, मतलब कि हमारे पास वो सीड बहुत कम है, इसलिए मुझे कोई ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीड्स आएंगे तो ऑटोमेटिकली सब हो जाएगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी पानी लेने में, पानी लेके आने में, तो मैंने यहाँ पे अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना दिया, वहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारी खेती स्टार्ट, अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा खेती कर पाएंगे। ओके ये हो गया, अभी के लिए बना देते हैं आयरन आर्मर, ये हेलमेट, ये चेस्ट, ये लेगिस, ये शूज, बाकी हमें कुछ नहीं बनाना है, शॉर्ट वगैरह की इतनी कुछ जरूरत तो नहीं है। चलो ओके
आई नो कि आज की ये वाली वीडियो में इतना कुछ मैंने खास नहीं किया, बट मुझे ऐसा लगा था कि मुझे वो लावा बकेट वाली चेस्ट मिल जाएगी तो उसमें से मैं लावा कलेक्ट करके कोबालस्टोन जनरेटर बना के एक्सपी फार्म आज के आज ही बना दूंगा, बट मुझे वो वाली चेस्ट नहीं मिली। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने 980 ब्लॉक माइन किए बट फिर भी हमें वो वाली चेस्ट नहीं मिली। डैट्स वाई मैंने ये सब कर दिया, क्योंकि आज के ये वाले वीडियो में कुछ तो करना ही था, तो मैंने एक घर बना दिया क्योंकि हमें डायमंड मिले थे। अभी क्रीपर वगैरह आके चेस्ट फोड़ देते तो मेरे डायमंड का तो नुकसान ही जाता, इसलिए मैंने एक घर बना दिया। ये मतलब कि टेम्पररी घर है, इसके बाद मैं अच्छा सा घर बनाने वाला हूँ। मैं पहले प्लान करूंगा कि कौन सा घर मुझे बनाना है, और यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा फार्म बना दिया ताकि हमें खाने पीने की कोई भी कमी ना पड़े। बाकी ये वाली वीडियो को यही तक रखते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो चैनल को याद से सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना ताकि ऐसी मजेदार गेम प्ले की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चल आगे से मैं और नए नए गेम प्ले लाने वाला हूं, तो चले मिलते हैं कोई नए गेम प्ले की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।